ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜੰਮ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁੱਖ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ ਔਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰ। ਹਮਾਰੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮਨੇ ਟਿਕਟ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਇਆ ਥਾ ਤਾਂ ਹਮਕੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੇਂ ਜਾਣਾ ਥਾ ਘਰ। ਹਮਨੇ बस वाले से लिया, हमसे 1600 रुपया किराया लिया। हमारे ये हमारी फैमिली है, हम घर जा रहे थे, हमको बैठा तो दिया कि सीट देंगे। एक सीट पे चार बंदे को बैठा दिया और 4:30 बजे सर आए यहाँ, बस पकड़ा गया। हम लोग इतने परेशानी में हैं सर कि क्या कहें। क्या कल रात कल आंधी तूफान हर एक चीज़ जी क्या सर सुविधा मिला गया आगे? क्योंकि कुछ भी नहीं सर, बस यहीं पड़े हुए हैं सर। सुविधा क्या कोई नहीं। पुलिस वाले ने आधार कार्ड लिया है, साइन करवाया, नाम नोट किया, ओकरे बाद बोलता जाओ बस। और इसके अलावा हम लोग को कोई नहीं कुछ पूछता। हम लोग कल से परसों से हमारे इधर हमारे फादर की डेथ हुई है। हम लोग 2-3 दिन हो गया आज, हम लोग 3 दिन से कोई खाना नहीं खाए हैं कि हम अपने घर जाना चाहते हैं। आगे जाके जब बस रोका गया तो आपके किराया आपको वापस किया गया या नहीं? नहीं सर, किराया वापस हो गया होता सर तो हम दूसरा बस पकड़ के चले गए होते घर। बस का मालिक भाग गया? बस का मालिक तो था नहीं सर, कंडक्टर और ड्राइवर अंदर बंद है, कंडक्टर दोनों भाग गए। आगे क्या मांग करते हो? आगे सर हमको गोरखपुर जाना है। हमको सुविधा सरकार दे, हमको किसी तरह हमारे घर भेजाए, हमको यही मांग है। या तो हमारे पैसा दे या तो हमको भेजवाए। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम अमरनाथ यादव है। क्या दिक्कत आई आपको? दिक्कत आया जी, हम लोग बच्चे लेकर के अपने गांव चले थे तो यहां के पुलिस प्रशासन जब वहां पे बस खड़ी थी जब नहीं रोका या रास्ते में आकर के हम लोग को रोक दिया। हमारे पैसे इना करके ख़राब हुआ है, इनके वजह से पैसे हम लोग का ख़राब हो चुका है। और ना पैसे दिलवा रहे हैं ना कोई हमको साधन दिलवा रहे हैं। हम लोग 24 घंटे से यहाँ से बच्चे लेके भूखे प्यासे धूप गर्मी में मर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई अधिकारी नहीं अभी तक आए कि हाँ भाई तुम लोग का सेवा हम लोग को करने का मौका मिला है। हम लोग करते हैं प्रवासी, तुम लोग प्रवासी भाई हो, हम लोग का स्टेट में आकर के चाय पीने का भी हम लोग टैक्स भरते हैं, सामान एक एक लेते हैं उसका भी टैक्स भरते हैं। किराया पूरा वसूला जा रहा है, जहाँ पे 300 किराया होता था अभी किराया इन्होंने 1500-1500 कर दिया, 2000 का कर दिया किराया। अभी आपसे एक पैसेंजर पे कितना किराया लिया गया? अभी एक पैसेंजर से हमारा कम से कम 2000 का जी किराया पड़ा है जी। आगे क्या मांग करते हो प्रशासन से? रिटर्न मांग रहे हैं जी। हम यही प्रशासन से मांग करते हैं कि हम लोग को यहाँ से घर भेजने का यानी कि इंतजाम करें और हम लोग को जो परेशानी है वो दूर हो, अपने बच्चे लेके अपने फैमिली में जाए, हम लोग को दिक्कत परेशानी ना हो। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.